कम से कम हर आदमी को कम से कम दिन में एक बार नहाना चाहिए, कम से कम। अगर आप सुबह नहीं नहा पाते हो, शाम को सुबह काम है, वही बात नहीं, शाम को नहाओ, लेकिन नहाओ। नहाता आदमी क्यों बताओ, पहले आप क्यों नहाते? नहाने से क्या फायदा है? नहीं, हवा आपके गांव में बहुत साफ है तो हवा से बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, थोड़ा बहुत जंगल भी है, तो हवा से बीमारी नहीं होगी। किससे बीमारी होगी आपको? अगर बीमारी होना है तो आपको गंदगी से होगी और पानी से होगी, और आप लोगों को इन्हीं दोनों चीज़ से बीमारी होती है। होता क्या है कि आप लोग साफ करते हो अपने घर को, लेकिन घर को साफ करने के बाद क्या करते हो? कचड़े को घर के बगल में देते हो, तो वहाँ से क्या होता है, मच्छर पनपता है, मच्छर जन्म लेता है। और वो मच्छर क्या होता है, एक मच्छर जो है कम से कम 1000 मच्छर को पैदा करता है, और उस गंदगी से 1000 से लाखों मच्छर पैदा होते हैं। अगर एक बार मच्छर आपको काट लेगा तो आपको फिर मलेरिया या कोई और बीमारी हो जाएगी, या बुखार आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है गंदा पानी पीने से, जो भी जहाँ से भी आप पानी लाते हो, हैंडपम्प से लाते हो, कुएँ से लाते हो, उसको आप लोग सीधा पी लेते हो, तो उसको ऐसे नहीं पीना है, क्योंकि उस पानी को पीने से उस पानी में बहुत सारे कीटाणु होते हैं, बीमारी फैलाने वाले कीटाणु होते हैं। तो या तो पानी को आप पहले गर्म कर लो, जब आप सुबह सुबह खाना बनाते हो अपना, तो एक
बड़े से पतीले में जो भी बर्तन हो बड़ा बर्तन उसमें पानी को गर्म करो पहले आप लोग, ठीक है। गर्म करने के बाद उसको थोड़ी देर ठंडा कर दो और फिर उस पानी को दिन भर पियो, सबसे अच्छा है। और अगर गर्म नहीं कर पाते हो तो सरकार ये क्लोरीन की दवा होती है, ये जितने भी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जो सरवन में स्वास्थ्य केंद्र है। अपने अपने समूह के साथ सारी दवाइयों के साथ आगे में बैठा सर, मैं वहाँ पे छोड़ के भी आऊंगा सर, यहाँ पे भी जोड़ नहीं, तुम वहीं रह जाओ। ये बैग किसका है? मेरा है, मेरा है। आज आज ये बैठा ही जाए, आज ये नहीं जाते। हेलो नहीं मावा जाम जरूरी नहीं मतलब सर आवाज आ गई। बस दो दो को था के बस। क्यों आए यहाँ पे सर? पूछ रहे क्यों आए हो आप यहाँ पे? भाई सचिता भाई, उसको लेके बैठो, अच्छे से दिखाओ ताकि लगे कि क्या है ये। सीधा दिखाओ, उल्टा मत दिखाओ।
कुछ पोस्टर लिया है क्या? टोटली मैं कंफर्म नहीं किया बोलना। बोलो चिल्ला के। अरे आपके गाँव में आपके घर में कोई बीमार नहीं रहे, पूरा परिवार स्वस्थ रहे, यही हमारा नारा है। आपके गाँव में कपिल भाई नाम चिल्ला चिल्ला के बोलना है। मैं बिल्कुल पूरा तंदुरुस्त हूँ। नाम we
होगा यहाँ पे करवाओ बुनी भाई, चपली भाई परिचय करवाओ भाइयों का। टाटा धन भाई पकड़े इसको सभी के लिए करना है। और क्या करोगे अगर ये नहीं है तो क्या करोगे, अगर ये बोल नहीं है आपके एक समूह में तो क्या करोगे? क्या चावल का पानी, दाल का और